तुझे पता है मुझे शादी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट यही लगता है। और हमें सबसे बोरिंग, कोई भी कपड़े पहन लेंगे, छोड़ना ये सब। चुप कर। पहली बार तो युवराज के सामने उसकी होने वाली दुल्हन बनकर जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तू ऐसी ड्रेस पहने जिसे देखकर उसके होश उड़ जाए। सोमू, जैसे हम सिंपल से हैं ना, ऐसे कोई भी सिंपल से कपड़े पहन लेंगे। और ये जो ढिंचैक से कपड़े हैं ना, ये तो बस तेरे ऊपर ही अच्छे लगते हैं। तुम मुझसे बहस ना कर, हुँ? मुझे सिलेक्ट करने दे और तू चुप करके यहाँ बैठ। तू बैठ यहाँ। सोमू बैठ। गुरु ऐसा कहा, सौम्या से मिलने जा रहा हूँ। अब तो रिश्ता ही पक्का हो गया, अब विदाउट हेजिटेशन बात करूंगा। अच्छा हम क्या कह रहे हैं? अरे एक बार फुनियाई तो लो। नॉट बैड शरद, गुड कॉल। युवराज मुझे क्यों फोन कर रहा है? सुहानी, तेरा फोन कहाँ है? कमरे में। तभी युवराज मुझे फोन कर रहा है। एक मिनट। हाय युवराज। हाय सौम्या। बताइए कैसे फोन किया? कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, आई नो। अब हाँ हो गई है, रिश्ता पक्का हो गया है, तो बात तो करनी पड़ेगी। मैं बाद में बात करती हूँ। फोन रख दिया? हाँ। अच्छा सुन सुहानी, मैं अब चलती हूँ। मॉम का कॉल आ रहा है ना, मुझे जाना होगा। लेकिन मैं कल आऊंगी तुझे रेडी करने के लिए, तो नो नाटक, ओके? बाय बाय। अरे फोन वो कट कर दी गुरु, अब तो मिलने जाना ही पड़ेगा। चल। अरे 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 अरे, थॉट वाइज इतना अच्छा है लेकिन एटीट्यूड एकदम इलाहाबादी आशिकों वाला, मतलब खाली आज जगन्नाथ करने चल दी। क्या फर्स्ट टाइम ऑफिशियली भौजी से मिलने जा रहे हो? बस गिफ्ट शिफ्ट लेके जाओ। गिफ्ट और का एकदम स्पेशल टाइप का, ताकि पहली मुलाकात आखिरी सांस तक यादगार बनी रहे। शरद ऐसा क्या दूं मैं सौम्या को, वो भी स्पेशल? उसकी पसंद क्या है, उसे क्या पसंद नहीं है, आई डोंट नो। क्या लू? कितना प्रिटी नेकलेस है ना, आई विश मैं इसे खरीद पाती। और ये दिल्ली में मिलता है। मिल गया। थैंक यू सो मच, अरे तुमने लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा काम किया। मिल गया तो ससुर हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? गिफ्ट दिल्ली में है शायद। अरे यार गुरु, हमारी दूर की नजर बहुत ही कमजोर है। बकवास बनकर आज ही के आज दिल्ली जाएंगे और गिफ्ट लेके आएंगे, समझा? चल जाना, चल 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 शरद, इधर चल। अरे यार जल्दी जल्दी। मेनका, 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 मैं यहाँ हूँ जीजी, अपना बदला ले रही। उस दिन आपने मुझे चिपकू बनाया था ना, अब मेरी बारी। मेनका, मेनका कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ। अपने कमरे में नहीं देखा ना, वरना मैं मिल जाती। मेरे कमरे में? मेरे कमरे में मतलब मेरे कमरे में जहाँ मैं हमेशा रहती हूँ, वहाँ आपने आवाज नहीं लगाया ना। छोड़ो ना, वैसे कल युवराज भैया के बरकचा है, मैं सोच रही थी कि आपका मेकअप मैं ही करूँ।
उस दिन आपने मुझे सुंदर बनाया था, कल मैं आपको सुंदर बनाऊंगी। ठीक है, पर पहले खुद तैयार होना, बाद में मुझे तैयार करना। और हाँ, सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मेरे यूज करना, अपनी कोई चीजें लाने की जरूरत नहीं है। ओके जी जी। अब चलो मम्मी जी के कमरे में उस सौम्या के गिफ्ट पैक करने हैं। आप कहो तो उनमें से कुछ पैकेट्स चुरा ले, हम दोनों मिलके बांट लेंगे। क्यों? How cheap and down market. शरद दिल्ली जा रहे हैं अभी। दिल्ली? ऐसे अचानक क्यों बेटा? अरे मेरी मौसी स्पेशल लड़की से शादी फिक्सा दी हो ना, तो स्पेशल सा गिफ्ट लेने दिल्ली जा रहे हैं। पर बेटा कल तुम्हारी परीक्षा है, क्या सोचेगी? I'm sorry mom. And I'm also really sorry mom. I know ये बहुत लास्ट मोमेंट है, लेकिन आप संभालो। I promise मैं कल टाइम पे आ जाऊंगा। प्लीज प्लीज। हां बाय मॉम। बाय बेटा। क्या करूं इस लड़के का? क्या हुआ मॉम? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थकान है। आप आराम कर लीजिए ना, हम भी कर लेते हैं। हाँ बहू, तुम लोग जाओ आराम कर लो, ये सब काम हम बाद में कर लेंगे। शुक्ला जी, हाँ वो टिकट करवाइए, हम बस निकल रहे हैं। हाँ कह दो, कच्छा बनियान ब्रश मंजन सब रख लिए, बस ना उनकी टिकट का इंतजार। अरे क्या हुआ भैया? क्लच वायर टूट गया, लगता है गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी हम पहुंच ही चुके हैं। ओके सर, उतर जाते। ये लीजिए, ठीक है? ओके सर। ये तो कपड़े फोल्ड कर रहा है या कूड़ा समेट रहा है? ठीक से फोल्ड कर। यार गुरु हमेशा डबल मेहनत करवाते हैं। ठीक से फोल्ड कर। मैं सुरुबी को मिलके आता हूँ, पूरे दिन नहीं मिला उससे। अरे पंकज जी, क्या बात है आप यहाँ? जी नमस्ते। नमस्ते, आइए ना अंदर आइए, बैठिए। प्रतिमा जी, वो हम आपका फोन देने आए थे। ये मेरी भूलने की बीमारी भी ना, पहले नाम भूलती थी, अब सामान भी भूलने लगी हूँ। ये मम्मी जी इन भीख मंगों के घर क्या करने गई थी? I'm gonna miss you, baby. कहाँ गुरु? हाँ? अरे miss you बोल के से बताए थे हम जा रहे हैं। अब देखना, ये जनाब चिल्लाए चिल्लाए के पूरे इलाहाबाद को खबर कर देंगे। तो स्नूपी? स्नूपी बस एक दिन का काम है, कल वापस आ जाऊंगा, promise, okay? चल, bye. अरे रमेश, जरा चाय नाश्ता लेके आना बेटा। प्रतिमा जी रहने दीजिए, अभी घर से ही आ रहे हैं। चिची, ये आपके दुश्मन के पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? वही तो मैं सोच रही हूँ। वैसे पंकज जी, मैंने आपको लास्ट मोमेंट पर सब तैयारी के लिए कहा, लेकिन क्या करूँ, ये मेरी सासू माँ का आदेश है, कल का दिन ही चुना है उन्होंने। और बड़ों की बात हम
टाल तो नहीं सकते ना जी। पर आप चिंता मत कीजिए, कल सुहानी और युवराज के वरक्षा की रस्म बहुत ही धूमधाम से हो। लक्करगिरी में सौम्या की जगह सुहानी को मैं क्या करूं? मुझे मुझे मम्मी जी को पता नहीं होगा। मम्मी जी को नहीं, युवराज को रोको। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।